स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आज के ताजा मौसम समाचार में। मौसम को लेकर अभी अभी एक रिपोर्ट निकल कर आ रही कि अगले 24 घंटों में लखनऊ सहित यूपी के बीच जिलों में होगी बारिश, गिरेंगे ओले। तो चलिए जानते हैं कि मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के वो कौन से जिले हैं जिनमें बारिश और ओले गिरने की संभावना जताई है। इस वीडियो में देंगे हम आपको पूरी जानकारी। वीडियो को अंत तक देखें और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मौसम समाचार में आपको बता दें कि मौसम का मिजाज बस बदलने ही वाला है। इस हफ्ते धूप के भी मजे खत्म होने वाले हैं। जल्द ही न सिर्फ बारिश होगी बल्कि ओले गिरने की भी संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के ताजा अनुमान के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के 20 जिलों में बारिश हो सकती है। इसके साथ ही साथ ओले गिरने की भी संभावना मौसम विभाग ने जारी की है। मौसम में ये बदलाव लखनऊ समेत यूपी के कई अन्य जिलों में देखने को मिलेगा। इसी बीच चलिए जानते हैं कि यूपी के जिन 20 जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है वे जिले हैं लखनऊ, बाराबंकी, हरदोई, उन्नाव, कानपुर नगर, कानपुर देहात, रायबरेली, कौशाम्बी, प्रयागराज, प्रतापगढ़, फरुखाबाद, एटा, कासगंज, मैनपुरी, फिरोजाबाद, आगरा, मथुरा, चित्रकूट, बांदा और सीतापुर। इसके अलावा आपको बता दें दो दिनों बाद पूर्वांचल में बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। वो जिले हैं आजमगढ़, जौनपुर, मिर्जापुर, चंदौली, गाजीपुर, मऊ, भदोही, सोनभद्र और बलिया में आपको बता दें मौसम का मिजाज बिगड़ जाएगा। इसी बीच ये भी खबर आ रही है कि लोगों को अभी तक कोहरे की समस्या से दो चार नहीं होना पड़ा था, अब हालात बदल जाएंगे। बारिश और ओलावृष्टि के बाद जब मौसम खुलेगा तो कोहरे की समस्या बढ़ जाएगी। वातावरण में नमी के कारण ये हालात पैदा होंगे। मौसम का ये बदलाव पश्चिम विक्षोभ की सक्रियता के कारण होगा। इसी बीच आपको बता दें कि अभी तक नहीं पड़ी है कड़ाके की ठंड। बात करें कड़ाके की ठंड की तो दो चार दिनों को छोड़कर बाकी दिनों में इसका प्रभाव कष्टकारी नहीं दिखा है। रात और दिन के तापमान में बढ़ोतरी और घटोतरी होती रही है। हालांकि मुजफ्फरनगर में रात का न्यूनतम तापमान बीती रात 4.7 डिग्री सेल्सियस गिर गया था, लेकिन सूबे के बाकी शहरों में आपको बता दें ये लगभग 8 से 10 डिग्री के आसपास बना हुआ है। दिन का अधिकतम तापमान 20 डिग्री के ऊपर बना हुआ है। इसमें अगले 24 घंटों से 48 घंटों में बड़े बदलाव की संभावना है। वीडियो के आखिर में अगर बात करें दिल्ली की तो आपको बता दें राजधानी दिल्ली में आपको बता दें कि हल्की बारिश से बूंदाबांदी होने की संभावना है, जबकि हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में पहुंच गई है। इसकी जानकारी मौसम के अधिकारियों ने दी है। नए पूर्वानुमान में भारतीय मौसम विज्ञान IMD ने कहा है कि एक पश्चिम विक्षोभ के कारण आपको बता दें दो तीन दिनों तक पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में हल्की से मध्यम बारिश बर्फबारी होने की बहुत ज्यादा संभावना है, जबकि कुछ जगहों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। तो वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश समेत पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान में भी हल्की से भारी बारिश हो सकती है। वहीं यूपी में फिलहाल शीतलहर की भी संभावना नहीं है, लेकिन बारिश के बाद मौसम बेहद ठंडा हो जाएगा और कपकपी छोड़ सकती है। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही ताजातरीन खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।